नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में, जिसमें हम हर एक हफ्ते टेस्टी, इजी, हेल्दी और स्वादिष्ट खाने का रेसिपीज अपलोड करते हैं। तो आज हम बनाएंगे आलू कटहल की सब्जी। इसके लिए हमें चाहिए कटहल, आलू, टमाटर, अदरक लहसुन, हरी मिर्च और प्याज। और मसाला में हमें चाहिए धनिया पाउडर, चिकन मसाला, नमक, हल्दी, गरम मसाला और एक तेज पत्ता, लाल सूखा मिर्च और साबुत जीरा। गैस ऑन करके कढ़ाई गैस पर चढ़ा देंगे। कढ़ाई गर्म होते ही तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया, अब तेज पत्ता डालेंगे। फिर लाल सूखा मिर्च और साबुत जीरा डाल देंगे। इसका जीरा के चटकते ही हम अदरक लहसुन डालेंगे। थोड़ा सा चला लेंगे। अब प्याज डाल देंगे इसमें। ये दोनों को चला लेंगे ठीक से। हरी मिर्च डाल देंगे। ये सबको थोड़ा ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। हल्का हल्का इसका कलर चेंज हो गया है, देखिए थोड़ा सा ब्राउन भी हो चुका है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम मसाला डालना स्टार्ट करेंगे। नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, चिकन मसाला, ये सबको अच्छे से मिला के चला लेंगे। ये सबको भूनेंगे ताकि मसाला भी इस सब में पक जाए।
चलाते रहेंगे बीच बीच में ढक के। देखिए तेल छोड़ दिया है इसने, अब ये हमारा मसाला और ये प्याज टमाटर ये सब अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम आलू और कटहल डाल देंगे। ये सबको अच्छे से मिला लेंगे। हम कढ़ाई में कटहल को थोड़ा ही पकाएंगे, उसके बाद हम इसे कुकर में डाल के अच्छे से पका लेंगे। देखिए ये थोड़ा थोड़ा पक चुका है कटहल इसमें। अब इसको हम कुकर में डालने का तैयारी करेंगे। गैस पे कुकर रख देंगे। कुकर में कटहल सब डाल देंगे, आलू कटहल ये सब। हम कुकर में इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारा कटहल सब अच्छे से पक जाए। कुकर में डालने के बाद हम एक कप पानी डालेंगे इसमें। और थोड़ा चला के कुकर बंद कर देंगे। इसे 2 सीटी तक पकाएंगे। हमारा सब्जी पक चुका है, अब हम कुकर खोल के देखेंगे। कुकर खुल गया, अब देखिए हमारा कटहल आलू का सब्जी पक चुका है अच्छे से। अगर आपको हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम इसको सर्व करने का तैयारी करते हैं। कटहल आलू की सब्जी अपने अपने घर में बनाइए और कमेंट करके बताइए कैसा बना। और ये कटहल और आलू की सब्जी एंजॉय कीजिए।